वन नेशन वन इलेक्शन पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत सराहनीय कदम है, इससे पैसा और समय दोनों को बचाया जा सकेगा। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन से एक व्यक्ति एक ही समय पर विधायक, सांसद और अन्य तरह के चुनावों के लिए मतदान कर सकेगा। उन्होंने कहा, हमें न्यायिक रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म पर भी विचार करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म पर तो बात चल ही रही है, वक्त के साथ बदलाव जरूरी होता है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों को हर महीने रोड मैप देने पर उन्होंने कहा, जिस तरह से शेर दो कदम आगे चलने के बाद पीछे देखता है, ठीक उसी तरह हम अपनी गलतियों को समझकर बेहतर काम कर सकेंगे। हर हफ्ते महीने रोड मैप बनाकर काम करने से काम बेहतर होगा। शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि विकास की योजनाएं समय पर पूरी हो, इसीलिए उन्होंने मंत्रियों से ऐसा करने को कहा है। वास्तव में वन नेशन वन इलेक्शन, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। अभी हम देखते हैं कि पूरा साल, जैसे अभी हम बाई इलेक्शन लड़े, उसके पहले हम जो है ना दिसंबर में मध्य प्रदेश का इलेक्शन होता है, नवंबर में होता है, और इसके 8 या 10 दिसंबर को रिजल्ट निकलते हैं। तुरंत अप्रैल में, अप्रैल टू मई, यानी मार्च से वो सिस्टम शुरू हो जाता है, मई जून तक चलता है, जुलाई तक भी जाता है, लोकसभा चलता है। तो जो कार्य में बाधा आती है, काम जो सरकारी काम काज रुकते हैं, इसका लाभ होगा। दूसरा, जो व्यापक रूप से व्यय आता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उस व्यय को मुझे लगता बहुत कम, 50% से भी कम हो जाएगा, क्योंकि सेम टाइम में एक ही जगह पे सांसद को भी वोट डालिए, विधायक को भी वोट डालिए, अनंत प्रकार के जो इलेक्शन होंगे उन सबको भी वोट डालिए। जैसे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है, अभी होने वाले चुनाव तो आप सरपंच को भी एक वोट डालते हैं, एक पंच को भी वोट डालते हैं, फिर आप जनपद के सदस्य के लिए वोट डालते हैं, जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट डालते हैं, तो एक आदमी 4 वोट डालता है। ऐसे ही जो सपना है वन नेशन वन इलेक्शन, देश के लिए आर्थिक दृष्टि से लेके, विकास की दृष्टि से लेके, अन्य प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से लेके, बड़ी बड़ी फौज लगती है उनकी दृष्टि से लेके, तो सबसे अच्छा सोच है। इस पर मुझे लगता है देश ने बढ़ना चाहिए। एक्चुअली क्या, देश में लंबे समय से रिफॉर्म नहीं हुआ है, तो ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म कहेंगे, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म आवश्यक है इस देश में। ऐसे ही मेरा कहना है कि जुडिशली रिफॉर्म के बारे में भी सोचना चाहिए। लंबे समय 20-20 साल लग जाते हैं, 25-25 साल लग जाते हैं, न्याय नहीं मिलता है। 30 साल में जब न्याय मिलता, मालूम पड़ा जो न्याय के लिए लड़ने वाले आदमी चला जाता है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म भी होना चाहिए, जुडिशली रिफॉर्म होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में लगातार विषय चलते रहते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के रिफॉर्म लंबे समय से, आज़ादी के बाद कई कानून अंग्रेजों के समय से चल रहे, उनको भी रिफॉर्म करने की आवश्यकता। उसमें प्रायोरिटी सबसे पहले है इलेक्टोरल रिफॉर्म। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा विषय कहा है कि हर 8 दिन में अपने विभाग की समीक्षा करिए, जिसको कहते हैं कि हिंदी में कहेंगे तो सिंहावलोकन करिए। जैसे शेर चलता है 2 कदम पीछे देखता है, तो इसलिए पीछे देखता है कहाँ कमियाँ, उसको ठीक करता है। तो हर 8 दिन में अपने अपने विभाग का ठीक से समीक्षा करिए, डूज एंड डोंट्स क्या क्या है, क्या क्या पहले हमने काम बताया उनकी भी करिए। हर 1 महीने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक रिपोर्ट देना पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के अंतर्गत हम, उनकी छतरी के नीचे हम सब लोग आते हैं। तो वास्तव में हम सब ने इसकी जितनी अच्छी समीक्षा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आम जनता को विकास की योजनाओं का लाभ होगा। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है, और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से,
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।